ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਫਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। हर तरफ की मुश्किलें आती है यहाँ पे, कोई पानी का इंतजाम, खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे 4 दिन से हम कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं है हमारे पास। निकलने की उम्मीद है, रास्ता तो जब खुलेगा तो हमें क्या पता है ये क्या करेंगे। ये तो फिर भी है, छोटी गाड़ी को हमें यहाँ रखते है। जी मेरा नाम नदीम है, हम यहाँ 3 दिन से फंसे हुए है और यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है ड्राइवरों का। हमारा खाना शाना राशन खत्म हो गया है। हम पीछे से 4-5 दिन बंद थे बटल मोड़ में, वहाँ पे भी कोई इंतजाम नहीं था, कोई हमारा यहाँ पे हिसाब किताब नहीं है। पानी लेने 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, राशन लेने जाते कोई हिसाब किताब नहीं, ड्राइवर का कोई बूझ पुरसान नहीं है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।